हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे सर्दी नहीं लगती और डाइजेशन अच्छे से होता है। जनरली डिलीवरी के बाद भी, जब लेडीज़ की डिलीवरी होती है उसके बाद भी हम गोंद के लड्डू खिलाते हैं उनको, ताकि उनके शरीर में कमजोरी ना आए। और बच्चे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है। दूसरी बात, इसमें और भी मैंने जो इंग्रेडिएंट्स मिला है उसके भी क्या क्या फायदे हैं, उसके लिए आपको लास्ट तक मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा ये लड्डू। देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, 750 ग्राम लिया है। ये उड़द दाल का आटा है, 370 ग्राम तक लिया मैंने, उसका ऑलमोस्ट आधा लेना है, 350 ग्राम भी ले सकते हो। और घी है वो 100 ग्राम लिया है और दूध 100 मिलीलीटर लिया है। तो अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक मैंने बड़ी परात ली है, बड़ा वेसल लेके आप उसमें दोनों आटे मिक्स कर लीजिए। वैसे उड़द दाल का आटा बनाने के लिए हमको उड़द दाल को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करके पीस सकते हो आप उसको। ये दूध और घी भी हमने इसमें मिक्स किया है। घी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा घी ऐड किया है। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको आटे की तरह नहीं बांधना है। ये मैं पहले सारे इंग्रीडियंट्स इसमें एकदम मिक्स करके अपने दोनों पाम्स के बीच में इसको रब करना है, इसको दानेदार बनाना है। तो आप देखिए, इसी प्रोसेस से इसको रब करते रहिए। एक एक दाना अलग हो जाना चाहिए इसका। इसको देखो, दानेदार बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए, बचा हुआ घी है वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी अभी। घी और दूध ने पूरे आटे को घेर लिया है। ये देखिए, एकदम दानेदार हो गया है। बट इसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। और इसको कैसे अलग करेंगे, इसको हम छानेंगे एकदम अच्छे से एक स्ट्रेनर की सहायता से। ये दूसरे बड़े वेसल में ही मैं इसको छानूंगी। ये देखिए, पूरा छान लिया। और जो बड़े पार्टिकल्स रह गए उसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे एकदम अच्छे से, और उसको फिर से छान लेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने गोंद लिया है, ये मैंने 200 ग्राम तक गोंद लिया है। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है। इसके लिए मैं 3 से 4 टेबल स्पून जितना घी ले लूंगी। ये देखिए, घी गर्म हो चुका है। इसमें मैं थोड़े थोड़े करके गोंद डालूंगी, और एकदम ज्यादा गर्म नहीं करना है घी, नहीं तो गोंद अच्छे से फूलेगी नहीं। तो ये मैंने बड़े गोंद लिए हैं, आप चाहो तो एक बारीक गोंद भी आता है वो भी आप यूज कर सकते हो। और एकदम इसको अच्छे से शैलो फ्राई करना है। इसको निकाल देंगे एकदम अच्छे से। इसी तरह से हम लोग सारे गोंद थोड़े थोड़े करके फ्राई कर देंगे। इसको मैंने हल्के से स्लाइटली क्रश कर लिया है। आपको थोड़ा थोड़ा हल्का क्रश करना है। जब ये मैंने 500 ग्राम जितना घी लिया है एक बड़े वेसल में, इसमें हम आटा जो हमने प्रिपेयर किया है उसको गरम करेंगे। एकदम अच्छे से गरम करना है, जिस तरह से हम लोग हलवे में जब तक कि आटा एकदम अच्छे से थोड़ा रेडिश नहीं हो जाता है, उसमें से खुशबू नहीं आनी स्टार्ट हो जाती है, तब तक गरम करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी गरम करना है। जब 500 ग्राम जो घी लिया उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ आटे और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा और भी उसमें ऐड कर सकते हो। और इसको कंटिन्यू हमको चलाते रहना है, मीडियम से हल्का सा स्लो गैस रखिए और उसी पर चलाते रहिए। इसको जलना नहीं चाहिए आटा, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। स्लोली अगर आप देखोगे तो इसमें कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, बहुत ही हल्का सा रेडिश कलर आप देख सकते हो, पिंकिश कलर, और अच्छी सी खुशबू आ रही है। और एक एक दाना इसका अलग हो रहा है अभी देखिए, और घी भी इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन स्विच ऑफ द गैस।
अब इसको हमने एक बड़े वेसल में डाल दिया है। इसमें हम गोंद, ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर मैंने जो एक स्पेशल चीज़ डाली है वो है ड्राई जिंजर का पाउडर। जो अदरक होती है, सौंठ होती है, सूखी अदरक, उसका पाउडर मैंने 50 ग्राम तक लिया है। सो आप उसको ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हो और कितनी भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो इसके भी मैं फ़ायदे बताऊंगी सौंठ के। तो ये हो गया मिक्स हमारा। तो अब यहाँ पर मैंने जैगरी ली है, गुड़ लिया है 600 ग्राम तक, इसके भी बहुत फायदे हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो अब हम एक बड़े से बर्तन में घी ले लेंगे 500 ग्राम जितना, और उसमें मैंने ये गुड़, जो कटा हुआ गुड़ था एकदम बारीक से, उसको मैंने ऐड कर लिया। आप चाहो तो पाउडर भी ऐड कर सकते हो, आजकल गुड़ का पाउडर मिलता है। और इसको मीडियम से थोड़ा स्लो फ्लेम पर ही गर्म करना है, जब तक ये पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए स्लोली स्लोली पूरा गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है, और एकदम मेल्ट होने के बाद उसमें हल्का सा उबाल आएगा और वो गुड़ ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको पूरा ऊपर नहीं आने देना है गुड़ को, थोड़ा बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको इमीडिएटली इस मिक्सर में डाल सकते हो। जो हमारा आटे का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे हम लोग, और उसको इमीडिएटली अच्छे से स्टर कर लेंगे, उसको अच्छे से हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब बड़े बर्तन में ही मिक्स करना ताकि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए ये, और इसको तब तक मिक्स करना जब तक कि इसमें से घी पूरा अच्छे से एब्जर्व नहीं हो जाए। ये देखिए बहुत ही जल्दी हो जाता है ये। सो इट्स डन। अब हम एक प्लेट लेंगे, आप चाहो तो थोड़ी डीप प्लेट ले सकते हो, उसको एकदम अच्छे से ग्रीस करो घी से, और उसके ऊपर हम लोग ये हमारे जो लड्डू का मिक्सचर है वो हम इसके ऊपर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, उसको एकदम अच्छे से फैला देंगे। कॉर्नर्स पे एकदम अच्छे से फैलाना है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये देखिए हमने एकदम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया। इसके ऊपर मैं अब खसखस जो है पॉपी सीड्स हम लोग इसको कहेंगे, खसखस स्प्रेड करेंगे, पूरा अच्छे से फैला देंगे इस पर। ये मैंने पम्पकिन सीड लिया है, तो पम्पकिन सीड्स को भी हम अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। आप चाहो तो अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो एज पर योर विश। ये मैंने पिस्ताचू लिया है, पिस्ता उसको एकदम बारीक से काट लिया है, और उसको भी मैं इस पर स्प्रेड करूंगी। अब हम इसको सेट करेंगे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट 8 से 10 घंटे में हो जाता है ये सेट। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने लड्डू भी बनाए हैं उसी मिक्सचर के, और लड्डू को मैंने ये पॉपी सीड्स जो है खसखस है उससे पूरा कोट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कोट किया है मैंने, लड्डू बहुत ही आसानी से बन गए हैं ये, क्योंकि हमारा जो आटा बना था, मिक्सचर बना था लड्डू का, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया है, और आप इसको फिर रख सकते हैं 10 घंटे तक। ये देखिए हमारी डिलीशियस लड्डू, ये बर्फी बनी है, तो इसको स्प्रेड करके मैंने बर्फी बनाई है, एकदम तैयार हो चुकी है 10 घंटे बाद। और इसको हल्के से पहले काटना है, हमको एक शेप देना है, आप चाहो तो स्क्वायर या डायमंड किसी भी शेप में इसको काट सकते हो। तो पहले हल्के हाथों से इसको शेप दीजिए, उसके बाद आप पिज्जा कटर या फिर चाकू से ही धीरे धीरे अच्छे से डीपली इसको काटिए। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, जब हेल्दी डिशेज आपको मिल रही है तो और भी ऐसी डिशेस आपके लिए वेट कर रही है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और मेरे वीडियोस भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे जो
इंग्रेडिएंट्स थे स्पेशल सौंठ। तो सौंठ से हमें फ़ायदे जो होते हैं वो इस प्रकार है, इससे हमें सर्दी जुकाम नहीं लगती और कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो सौंठ ज़रूर आप यूज़ कीजिए सर्दियों में। और दूसरा है गुड़ जैगरी, इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी ताकत और ऊर्जा मिलती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बीपी कंट्रोल रहता है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें आयरन और हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में मिलता है, मिनरल्स विटामिन मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। सो ज़रूर आप बनाइए ये डिश। थैंक यू।